गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल तो बच्चे सोकर उठे हैं और मैंने टिफिन सब रेडी कर दिया है, बस रेडी करने जा रही हूँ। बच्चों टिफिन रेडी हो गया है, दाल चावल दिए हैं टिफिन में। और देखिए सुबह सुबह का सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा है और ठंड भी है, काम पड़ा है सारा। चलो जल्दी से उतरो फटाफट से, इसकी भी ले ले, टिया की भी। चलो गाइस, नाश्ते के लिए बनाए गए हैं पराठे दाल के साथ और टिफिन में दिया गया है दाल चावल। अंदर से बाहर तक पूरा फैला हुआ है, ये कपड़े मशीन में धुले थे तो इनको धूप दिखाऊंगी, ये कपड़े भी धूप में जाएंगे। सब पूरा घर फैला हुआ है पूरी तरीके से, ये देखिए मेरठ गए थे ना तो सारे कपड़े उथल पुथल, ये प्रेस के कपड़े हैं, अब सब संभालने में लगती हूँ मैं। सभी को मेरा गाना सुन रहा है अपने गुरु शाम के बजाय। पपीता खा रहे हैं और किन्नू साथ में खा रहे हैं हम दोनों। मैंने सारा का सारा ठीक कर दिया पूरा घर, सफाई वफाई सब हो गई है घर में। और मैंने सुबह आपको दिखाया था कि कितना फैलावा हो रहा था, सब जगह कपड़े ही कपड़े, सब इधर उधर हुआ पड़ा था सामान। ये देखिए सब बिल्कुल क्लीन कर दिया बिस्तर विस्तर। ये प्रेस के कपड़े हैं और ये मुझे धोनी है, टिया की जो फ्रॉक है तो इसलिए यहाँ पर रखी है। बाकी सारा काम सब क्लीन हो गया पूरा घर। और आज मैं नहाई नहीं हूँ तो लेट जा रही हूँ नहाने के लिए, अब मैं नहाने के लिए निकल रही हूँ। ये मेरे बच्चों ने आकर भी अपनी ड्रेस बिल्कुल अच्छे से ठीक से तरीके से रखी है, अब मैं इसको उठा के अलमारी में रख दूँगी। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे भी सिखाती हूँ, आते ही उन्होंने साबुन से हैंड वॉश किया और अब वो कान्हा के साथ खेल रही हैं दोनों। पपाया मैंने पहले ही कट करके रख लिया था तो फिलहाल पपाया खा रही हैं दोनों। और इनका एग्ज़ाम है 15 से तो स्टडी करवानी है अब मुझे। ये देखो गुड गर्ल बोथ गाइस। अभी मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए पार्क लेकर आई हूँ ताकि इनका माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि अभी पार्क से जाने के बाद फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठाऊँगी। एग्ज़ाम के टाइम चल रहे हैं, बस बिल्कुल पास ही है, 15 तारीख को एग्ज़ाम है और बच्चों को खिला पिला के पार्क लेकर आऊँगी। अभी हम लोग घर पर आ गए हैं पार्क से और मैं अभी छत पे जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए। और आज डिनर में बना रही हूँ कढ़ी चावल चपाती। अभी कढ़ी में छाछ के अंदर नमक डाल के आधे घंटे के लिए रखा, उससे क्या है छाछ थोड़ी खट्टी सी हो जाएगी और फिर कढ़ी अच्छी बनेगी। शाम का टाइम है, आधे कपड़े तो ले गई हूँ उतार के, यहाँ शूज़ सुखाने के लिए डाले क्या। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे, इतने सारे कपड़े धोए मैंने कल, आधे नीचे की मशीन में ऑटोमेटिक में लगाए और आधे हाथों से। ऊपर जो मशीन है वो थोड़ी ख़राब भी है, वो सिर्फ वॉश करती है तो पानी हाथों से ही निकालना होता है। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े, और ये सारे कपड़े हम सिर्फ मेरठ एक दिन के लिए गए, उसमें गंदे हुए हैं। बाकी मैं मेरठ जाने से पहले सारा काम कपड़े वपड़े सब धो गई थी और देखिए आप एक ही दिन के उसमें जाने में कितना काम मेरा हुआ था। तो गाइस देखिए कढ़ी चढ़ा दी है और देखिए कढ़ी देखने में कितनी मस्त लग रही है, एकदम बढ़िया। तो मैं कढ़ी जो है सब कुछ छाछ में ही मिला देती हूँ, सारे मसाले बेसन और सरसों के तेल में मैं कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। जीरे का छौंका लगाया है मैंने और अभी कम से कम 1.5 घंटे तक सिम में बिल्कुल पकती रहेगी। और यहाँ पर पकौड़ियों का बेसन कर रही हूँ रेडी, और दूध पका दिया है यहाँ पर, बर्तन पड़े हैं, बर्तन धोऊंगी फिर उसके बाद पकौड़ी अपने रेस्ट हो जाएगा पकौड़ियों के लिए बेसन का, तो फिर पकौड़ी बनाना शुरू कर दूँगी।
गाइस बच्चों के डैडी आ गए हैं और एक शूट चल रहा है बच्चों के साथ, बच्चों के लिए चीज लेकर आए हैं किंडर जॉय और हमारे लिए मोमोज। नहीं सुन, तू भी तो बोला डैडी आ गए। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी चिची। ये लो आप ही लो। बाबा मैं कैसे कहूँ, मेरे तो हाथ ही नहीं है। हाथ नहीं वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रही है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम। मिलते हैं फिर नई ब्लॉग के साथ।